वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सोचा आज खाने वाने के लिए कुछ नई वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो दैट इज रेटिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज दैट आई हैव मेट, ठीक है। तो इसमें कभी ये भी हो सकता है कि यार मैं किससे मिल रही हूँ उसका मूड खराब हो, या फिर वो जनरली बुरा इंसान हो, या कोई बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो फिर भी रेटिंग ऑल ऑफ दैट। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि सिंस आई एम अ ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर, तो हम लोग को बहुत इवेंट्स में बुलाते हैं जहाँ बहुत बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं, तो आई गेट टू मीट देम। बिफोर पैंडेमिक ही मिली होंगी मैं, लेकिन मोस्टली उनके अब तो कोई इवेंट ऐसे होते नहीं है। एनीवे, कॉफी आ चुकी है मेरी, मेरे फेवरेट स्लेव कॉफी से, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल ऐसा किसी हीरो के साथ नहीं हुआ मेरे साथ जो मैंने कैटरीना कैफ को देखा, ठीक है। एनीवे, तो मैंने बहुत ही, जब मैं 12th क्लास में थी तो मैंने एक नक्षत्र का प्राइज जीता था जिससे मुझे इयर रिंग मिले थे, विच वॉज प्रेजेंटेड बाय कैटरीना कैफ, सिंस शी वॉज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो उसने मेरे को दिया और आई वॉज रियली हैप्पी कि वाओ। एंड आई सेड कैन आई क्लिक अ पिक्चर विद यू, तब सेल्फी से जमाना था नहीं तो नॉर्मल पिक्चर ये वाली क्लिक हुई। फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट, आईफा अवार्ड्स में जब मैं उससे मिली तो आई वाज लाइक कैन आई गेट अ पिक्चर विद यू, एंड शी वाज सो हैप्पी टू क्लिक अ पिक्चर विद, लाइक या श्योर श्योर। जो उनके बॉडी गार्ड्स वगैरह थे, ठीक है, बट शी वाज सो 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 स्वीट, सो आई गिव हर अ 10 on 10 बिकॉज जब मैं बच्ची थी मैं तब भी मैं बड़े होकर, एंड शी वाज द सेम ब्यूटिफुल, ठीक है। नेक्स्ट अप इज, चलो बुरे एक्सपीरियंस के बाद आते हैं, इस कार्तिक आर्यन, ठीक है। आई डोंट नो उसका बैड डे जा रहा था नहीं, क्योंकि वो बाकी लोग साथ बहुत स्वीट था, ठीक है। सो देयर वाज करण जौहर, उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, तो ऐसा नहीं था कि उसका बैड डे जा रहा था, ठीक है। तो आई अप्रोच्ड हिम सबसे पहले, तभी उसकी वाली मूवी आई थी सोनू की टीटू की स्वीट, एंड वाज रियली पॉपुलर, वो खूब ज्यादा बड़ा सुपरस्टार टाइप बन गया था। आई वेंट टू हिम एंड आई सेड कैन आई गेट अ पिक्चर विद यू, एंड ही वाज लाइक बाद में ओके यार ये क्या बात होती है, मेरा बिल्कुल शक्ल सैड सी हो गई थी, ठीक है। तो इसके बाद की स्टोरी भी कंटिन्यू करूंगी, बट दिस इज हाउ आई मेट कार्तिक आर्यन, एंड ठीक है। तो अभी हम इसे रेटिंग देंगे, हम उसके बाद की स्टोरी बताते हैं पहले, ठीक है। तो सिंस आई वाज लाइक विजिबली शैटर्ड कि ठीक है, सो शाहिद कपूर बिल्कुल मेरे साइड पे खड़ा था, एंड ही अपसेट, आई विल क्लिक अ पिक्चर विद यू, एंड आई वाज लाइक इज दिस हैपनिंग, लाइक हाँ श्योर श्योर श्योर। सो शाहिद कपूर क्लिक द पिक्चर विद मी, एंड यू नो मेरी हाइट काफी छोटी है, और वीडियोज में लगता है मूवीज में शाहिद कपूर की हाइट भी बहुत छोटी है, पर नहीं, उसकी हाइट काफी बड़ी थी मुझसे, सो ही स्पेशली बेंट एंड क्लिक द पिक्चर विद मी, एंड सो ही वॉज वेरी वेरी स्वीट। सो या 10 on 10 फॉर शाहिद कपूर। कमिंग बैक टू कार्तिक आर्यन, ठीक है, तो ही वॉज स्टैंडिंग ऑल्सो राइट देयर, एंड आई डोंट नो शाहिद कपूर सेड समथिंग टू हिम और ही रियलाइज्ड हिमसेल्फ, अच्छा चलो क्लिक करवा लेते हैं, ठीक है। तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या होता है कि चलो अब क्लिक करवा लेते हैं, पहले तो मुझे मेरा दिल तोड़ दो, वो चलो करा लेते हैं, जैसे तुम अब मैं उसको मेरा मन तो ना बोलने का, मुझे नहीं करवानी फोटो क्लिक तुम्हारे साथ, पर इतनी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है नहीं, तो मैंने क्लिक करवा ली उसके साथ भी, ठीक है। एंड देन ही वॉज लाइक ये वाली फोटो अच्छी नहीं आई तो ये वाली थी, एंड ही सेड एक और क्लिक करो, इसका फ्लैश ऑन कर दो, कि मैं स्नैपचैट से ले रही थी, तो मैंने चलो ठीक है भाई इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है तो मैंने वो करके दी, तो तब ये वाली पिक्चर आई। सो कार्तिक आर्यन को हम देंगे 5 बिकॉज उसने मेरा दिल तोड़ा था, एंड आई डिडंट लाइक इट, ओके। नेक्स्ट अप इज नील नितिन मुकेश, तो इसका बहुत फनी स्टोरी है। बिफोर आई केम बिकेम अ ब्लॉगर मैं इससे मिली, तो सेलेक्ट सिटी वॉक में ही वॉज देयर, सो टू ऑफ माई फ्रेंड्स मेल फ्रेंड्स वेंट इन एंड आस्क्ड हिम फॉर अ पिक्चर, एंड ही सेड नहीं नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, एंड ही वेंट, ठीक है। देन माई मेल फ्रेंड्स केम एंड वर लाइक कि नितिन नील मुकेश आया हुआ, सो मी एंड माई फ्रेंड लाइक चल चल फोटो खिंचा कर आते हैं उसके साथ, ठीक है। तो माई फ्रेंड तो लाइक नहीं वो नहीं खिंचवा रहा किसी के साथ भी फोटो, इज वेरी प्राउड एंड ऑल, हमने बोला नहीं नहीं हम जाके
ट्राई तो करते हैं, ठीक है। सो वी वेंट एंड जैसे ही वो ना जहाँ पहले बर्बरी का शोरूम था उसी साइड में वॉशरूम है, तो वो वॉशरूम में मुड़ गया, ठीक है। तो हम लोग वॉशरूम के बाहर आने सोचा हम वेट करते हैं, ठीक है, जैसे ही आया पढ़ लेंगे। तो उसका जो भाई है वो सेम वैसा ही दिखता है, ठीक है। तो वो बाहर आया और हम दोनों से घूर रहे हैं कि यार ये इसने क्या की, ये मूवीज में अलग लगता है ये वो। हम बस घूर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस ऐसे घूर रहे हैं, ठीक है। सो ही हिमसेल्फ ओनली सेड कि आई एम नॉट नील, ही इज इन द वॉशरूम, आई एम हिज ब्रदर। एंड ओ अच्छा था, ठीक है ठीक है, बोला वी वांट टू पिक्चर विद हिम, ठीक है। तो जैसे ही वो बाहर आया तो हम दोनों ने अटैक का लाइक कैन वी गेट अ पिक्चर विद यू, एंड लाइक या यार श्योर, ठीक है। फिर मैंने अपने दोस्तों को इतना चढ़ाया कि तुम लोगों के साथ फोटो ले ली, मेरे साथ फोटो ली। सो यार आई थिंक आई लव हिम 8 क्योंकि मैं उसके पीछे बहुत दौड़ी थी फोटो क्लिक कराने, बट इन माई डिफेंस आई वॉज जस्ट 18-19, ठीक है। तो बस मैं अभी भी दौड़ सकती हूँ। ओके नेक्स्ट अप, एक सेकेंड भाई, बाय द वे दिस कॉफी इज फ्रॉम स्ले कॉफी एंड आई टोटली लव इट। इट कम्स इन स्पिल प्रूफ पैकेजिंग, द स्मेल, द अरोमा इज सो नाइस, और इट स्टार्ट फ्रॉम 91 rupees ओनली, विच इज लाइक परफेक्ट स्टील डील। तो मतलब मैं जब भी ऑफिस आती हूँ ना, एंड वेन एवर आई एम वर्किंग और मेकिंग रेसिपीज, तो मेरे पास हमेशा एक कॉफी होती है। मतलब मेरी चैट देखो सौरभ से, हम कितनी बार ये डिस्कस कर सकते हैं कि आज तू मंगवाएगा स्ले कॉफी और मैं मंगवाऊंगी स्ले कॉफी। एनी वे मूविंग बैक टू द पॉइंट इज आयुष्मान खुराना। ओके सो आई हैव बीन अ फैन ऑफ हिज जर्नी सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मतलब मैंने उसकी जो वाली मूवी थी ना जो बिल्कुल सुपर फ्लॉप गई थी, हवाई, जिसमें वो कुछ एरोप्लेन से बना था, मैंने वो भी हॉल में देखी थी। तो आई मेट हिम ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ ड्रीम गर्ल, तो उसमें नुसरत भरोसा और आयुष्मान खुराना आ रखे थे, एंड आई वॉज देयर एज अ ब्लॉगर ओनली। तो अब मुझे कॉन्टेंट बनवाना था उनके साथ, तो मैंने सोचा क्या करें क्या करें, अच्छा आई एम अ बैड डांसर, तो लेकिन मैंने फिर भी बोल दिया कि ओके आई डांस। तो आयुष्मान खाना को आई सेड कि आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग द हुक स्टेप थिंग विद यू, जो उसका वो ना राधे 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 उस पर, ठीक है। तो ही वेरी पोलाइटली, तो ना जो इवेंट मैनेजर था उसने बोला कि एक्चुअली हमने डांस परफॉर्मेंस ऑलरेडी क्रू के साथ प्रिपेयर कर रखी है, बाय द एंड, मतलब जो इंटरव्यू है उसके एंड में हम करेंगे, ठीक है। तो आयुष्मान खाना वेरी पोलाइटली सेड कि हम ना उसके बाद कर लेते हैं, यू डोंट माइंड। मैंने बोला ठीक है, तो मुझे लगा कट गया मेरा, नहीं हो पाएगा ये कुछ, ठीक है। पर जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो उसके बाद एकदम से गाना बजने लगा, और जो उनका क्रू नहीं होता जो बैकग्राउंड डांसर्स वगैरह होते हैं, दे के, ठीक है, एंड देन दे डिड अ लिटिल डांस परफॉर्मेंस, एंड देन दे कॉल्ड आयुष्मान कि आ जाओ। तो व्हेन ही वाज कॉल्ड फ्रॉम द स्टेज, वो स्पेशली ऑडियंस में गया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर आया अपने साथ डांस करने के लिए। इज आयुष्मान खाना होल्डिंग माई हैंड? यस ही इज, ठीक है। अब इसके साथ नुसरत भरोसा भी थी, शी इज द लीडिंग एक्ट्रेस एंड शी न्यू दैट आई वाज अ फैन ऑफ आयुष्मान खुराना। तो उसने उनकी ना ऑलरेडी पोजीशन डिसाइड होती है कि आयुष्मान खुराना खड़ा होगा तो नुसरत इधर खड़ी होगी, बाकी बैकग्राउंड डांसर्स। नाउ सिंस आई वाज इन द पिक्चर, नुसरत गेव हर प्लेस टू मी कि नो यू स्टैंड हियर एंड डांस विद आयुष्मान खुराना, एंड शी वाज डांसिंग बिहाइंड मी लाइक अ बैकग्राउंड डांसर बिकॉज शी वैल्यूड कि शी इज अ फैन एंड शी डिजर्व टू बी देयर, एंड आई वाज लाइक डूड यू आर सो स्वीट। ऐसा होता है ना जब हम ऐसी मूवीज देखते हैं, शी डज दिस कमीनी हरामी टाइप रोल्स, लेकिन ये तो तुम्हारी वो इमेज बन जाती है कि यार ये असली में भी ना ऐसे ही होगी, ठीक है। जब मैंने देखा मुझे लगा असली में भी ऐसी होगी, बट शी इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। आई थिंक आई गिव हर 20 out of 10 बिकॉज मुझे नहीं लगता कोई भी लीडिंग एक्ट्रेस अपने हीरो के साथ किसी और को डांस करने देगी, वो भी एक नॉर्मल रैंडम फैन को, खुद पीछे जाके डांस करेगी। सो आई गिव हर 20 out of 10। आई यूज वन खाना 10 out of 10 बिकॉज oh my god, I had a crush on him that day. तो अब हम जाते हैं बैड एक्सपीरियंस, वो है करण जौहर, ठीक है। तो करण जौहर का मुझे जो वो शो आता था ना कॉफी विद करण, मुझे वो काफी पसंद था, काफी सही बातें बातें करते थे उसमें, एंड आई यूज्ड टू फाइंड इट रियली कूल। तो ये 2 साल पहले की बात है, तो ऑल द एक्टर्स रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, कैटरीना कैफ वगैरह वगैरह बहुत सारे एक्टर्स आकर ऑलरेडी बैठ चुके थे, एंड करण जौहर डिसाइडेड कि वो बिल्कुल लास्ट में आएगा ताकि उसे टाइम वेस्ट ना करना पड़े, व्हाटएवर दैट मींस, ठीक है। तो वो आया ऐसे जैसे वो उसके और उसके साथ इतने सारे इतने बॉडी गार्ड आए जैसे सब लोग उस पर फोटोज खिंचवाने के लिए टूट पड़ेंगे, ठीक है। कोई नहीं आया फोटो खिंचवाने उसके साथ बिकॉज यार जिस रूम में रणबीर कपूर बैठे कौन जाएगा, ठीक है। एनी एंडेड लाइक, ठीक है, वो पुलिस आके छोटी करके लाइक कितनी किसी को मार डालेगा टाइप, ठीक है, बट नोबडी केयर्ड। फिर
वो पता नहीं मेरे तो फिर फोटो खिंचवाने भी नहीं चाहे कभी, बट ही वॉज गिविंग ऑल दिस लुक्स लाइक जैसे ही लुकिंग टू अस लाइक वी आर पेजेंट्स लाइक संगे हमको कीड़े मकोड़े आई डोंट नो दिस थियोरी बट आई गिव हिम अ 2/10 बिकॉज ही वॉज रियली वियर्ड जस्ट प्लेन वियर्ड इट वॉज नॉट लाइक ही वॉज हैविंग अ बैड डे आई स्वेर ही वॉजंट हैविंग अ बैड डे बिकॉज ही वॉज हैविंग फन विद रणबीर कपूर बट जैसे ही वो नॉर्मल ब्लॉगर्स या प्रेस से बात करता था मतलब कैमरा पे तो ही वॉज वेरी स्वीट बट जैसे ही वो बात करता ही यूज्ड टू लाइक आपको पता होगा दिया मिर्जा काफी एनवायरमेंट के बारे में काफी बातें करती हैं एंड शी इज वेरी यू नो अ पर्सन हु प्रमोट्स ऑल दीज थिंग्स तो मुझे लगता था ये सब पी आर होता है सिर्फ ऐसी एक्टिंग के लिए करते हैं बाय द वे दिस पैकेजिंग इज ऑल्सो इको फ्रेंडली वाओ यार आई जस्ट रियलाइज दैट एनीवे तो आई थॉट कि ये सिर्फ टीवी के लिए पी आर वगैरह होता है पर आई व्हेन आई वाज इन दिस इवेंट तो सबको वो मिलती है छोटी वाली बिस्लरी की बॉटल तो सबको मिल रही थी एंड दिया मिर्जा वाज लाइक कि आई डोंट कंज्यूम प्लास्टिक आई हैव माई ओन वाटर बॉटल एंड शी वॉज कैरिंग अ होर ओन वाटर बॉटल मिल्टन की उसने बैग से निकाली तो क्या बात है सो आई क्लिक द पिक्चर विद हर शी वॉज वेरी वेरी स्वीट आई टो तब उसकी मूवी आने वाली संजू एंड आई ऑल द बेस्ट फॉर संजू थैंक यू एंड फिर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ आई एम अ फैन ऑफ वॉट क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं उसने वो और कौन सी पिक्चर बनाई थी तो मैं तो सोच रही हूँ कौन सी मूवी बोलूँ कि मैं फैन कौन सी मूवी की मुझे तो याद ही नहीं और फिर मुझे याद आया रहना है तेरे दिल में बनाई थी पर मैं उसमें भी कंफ्यूज थी कि उसमें वही थी या कौन था एंड आई जस्ट सेड आई एम अ फैन ऑफ योर मूवीज कोई मूवी नहीं देखी मुझे अगर आप लोगों को दिया मिर्जा की मूवी पता रहना है मेरे दिल के अलावा तो प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो बिकॉज मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही थी उस टाइम आई वाज सच अ टाइट स्पॉट यू नो यू आर सेइंग समवन हू आई एम अ फैन एंड यू डोंट रिमेम्बर अ सिंगल थिंग दे डिड इन देयर लाइफ तो बस यही था आई होप यू एंजॉयड द वीडियो आई थॉट कि एक हम स्टोरी टाइम भी करते हैं करना चाहिए है ना ताकि आप अंदर से जान पाओ और मैं सोचा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ आई होप यू एंजॉय द वीडियो बिकॉज आई एब्सोल्युटली हैड अ गाला टाइम मेकिंग इट सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो और टू स्लेक कॉफी इट्स रियली नाइस मेरी फेवरेट है कोल्ड कॉफी 91 रुपीज की आती है और ऑफर भी इतना चलता रहता है ना मजा आ जाता है माय गॉड बाय